आज संभवनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। ध्यान प्रबंध प्रभुवेन एन ध्यान प्रबंध प्रभुवेन एन निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे तंसंभवन नौमि महानुरागा ध्यान प्रबंध प्रभुवेन एन ध्यान प्रबंध प्रभुवेन एन निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे तं संभवन्नोमि महानुरागात् तं संभवन्नोमि महानुरागात् ध्यान प्रबंध प्रभुवेन एन निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे तं संभवन्नोमि महानुरागा तीसरे काव्य में कवि महोदय भगवान की स्तुति करते हुए संभवनाथ भगवान को स्मरण करते हुए लिख रहे हैं ध्यान प्रबंध प्रभुवेन एन यानी जिन्होंने ध्यान के निरंतर प्रभाव से समस्ता कर्म प्रकृति निहत्य सारी कर्म प्रकृतियों को निहत्य यानी नष्ट करके मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे मोक्ष स्वरूप पदवी या स्थान को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे संभवनाथ भगवान को तम संभवम नौमी महानुरागात बड़े अनुराग के साथ में मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो ध्यान के प्रभाव से कर्मों को नष्ट करके जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है ऐसे संभवनाथ भगवान को बड़े अनुराग के साथ में नमस्कार करता हूँ। तो ध्यान के लिए अपन यहाँ पर जहाँ ध्यान के बारे में आगम में चार प्रकार के ध्यान बतलाए जाते हैं आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी ऐसे चार ध्यान होते हैं और इन ध्यानों से अपन आंशिक रूप से परिचित हैं जिसमें आगे सूत्र में कहते हैं परे मोक्ष हेतु आगे के दो जो ध्यान हैं वो मोक्ष के हेतु हैं और इसी में अर्थापत्ति से ऐसा निकल जाता है कि अपरे संसार हेतु आगे के जो दो ध्यान हैं वो संसार के कारण हैं।
अपन सभी लोग संसारी हैं और संसार के हेतु अपने साथ में अनादिकाल से लगे हुए हैं, इसलिए अपन लोग संसार में हैं। तो उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से अपना परिचय अनादिकाल से चला रहा है। आर्त ध्यान यानि दुखी होना और रौद्र ध्यान यानि सुखी होना। अब किसमें सुख होना, किसमें दुखी होना, अपने दुख में दुखी होना वो आर्त ध्यान है और पापों में सुखी होना वो रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान के चार भेद होते हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में आचार्य शुभचंद्राचार्य महाराज ने छोटे छोटे नाम दिए हैं, जहां तत्वार सूत्र में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं उनको ही छोटे रूप में वहां पर बतलाया है। पहला आर्त ध्यान वहां पर लिखा योगज, जो संयोग से उत्पन्न होता है। तो उसमें जब अनिष्ट का संयोग हो जाता है तो उसमें जो दुख होता है वो पहला जो है योगज नाम का आर्त ध्यान। बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते थे, प्लेग्राउंड पर पहुंचे लेकिन वहां पर बड़े बड़े लोग पहले से खेल रहे हैं। अब अनिष्ट का संयोग हो गया, अब उनने पूरी जो है ग्राउंड को घेर रखा है, अब बच्चे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा होता है वियोगज, वियोगज यानि जो इष्ट है उसका वियोग होने पर जो उत्पन्न होता है, वियोग और आगे दिया है अक्षर जा, जा यानि उससे उत्पन्न होने वाला। जैसे कमल को जलज बोलते हैं, जल से उत्पन्न, जलेन जायते इति जलज। तो इस प्रकार से जो वियोग से उत्पन्न होता है वो वियोगज हो जाता है। अब उस समय क्या हुआ कि फुटबॉल जो है जब तक वो लोग बड़े लोग खेल करके गए और यहाँ किसी शरारती बच्चे ने उनकी फुटबॉल में कांटा घुसा दिया, वो फूट गई, तो जो इष्ट था उसका वियोग हो गया, ये दूसरे प्रकार का आर्त ध्यान हो गया। फिर जैसे तैसे कोई फुटबॉल की व्यवस्था की, खेलने लगे, लेकिन तब तक जो है धूप चढ़ाई थी और धूप के कारण में वो खेले तो बच्चों को लू लग गई। अब उस समय में रोग से उत्पन्न होने वाला यानी रोग से जो शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई है वो पीड़ा कब दूर होगी, इस प्रकार का भाव वहाँ पर जो रहता है वो रोगज नाम का तीसरा आर्त ध्यान। और चौथा कि बोला है पिताजी ने कि अच्छे से पास हो जाओगे तो इस बार तुम्हारे मन का जो है वीडियो गेम दिलवाएंगे, तो वहाँ पर खेलते हुए भी के यदि खेलते रहे पढ़ नहीं पाए तो वीडियो गेम नहीं मिलेगा, तो मन में उसके लिए जो बार बार की हमको वीडियो गेम चाहिए है उन बच्चों के लिए वहाँ पर चौथा जो है आर्त ध्यान भोगज यानि भोग से उत्पन्न होने वाला। ऐसे चार प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। जब भी कभी दुखी होते हैं इनमें से कोई ना कोई वो आर्त ध्यान संभावित है। जब किसी दूसरे की पीड़ा में भी अपन दुखी होते हैं तो वो आर्त ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान है। इसीलिए आचार्य ने खाई को लिखा है पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। तो पर की पीड़ा में अपने मन में यदि करुणा उत्पन्न होती है तो वो हमारे जीवत्व का प्रतीक है, तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। यानी दुखी होना एकांत से आर्त ध्यान ही नहीं, दूसरे की पीड़ा में आंखों में आंसू नहीं आए तो वो तो जो है मानवता से रहित होता है, इसलिए वो धर्म ध्यान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में चार प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। पहला है उसमें हिंसा में आनंद मानना, पीड़ा देकर के आनंद की अनुभूति लेना। जहाँ जब
दुश्मन के ऊपर आपत्ति आती है, दुश्मन के घर में किसी के यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए तो वहाँ पर जो है खुशी होने लगती है। यानी पर की पीड़ा में आनंद की अनुभूति, ये पहला रौद्र ध्यान है। दूसरा झूठ में आनंद मानना, किन्हीं दो के बीच में लड़ाई थी और उनको वहाँ पर जाकर के कह दिया कि वो आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो बुला रहे हैं, हो सकता है अपनी लड़ाई के बारे में उनके मन में कुछ पश्चाताप आया हो, चलो अच्छा है अपन मिलकर के आते हैं। और उनके पास गए, वो कहने लगे हमने तो नहीं बुलाया। अब वहाँ पर उस व्यक्ति ने जो है झूठ बोल करके उनको भेज तो दिया और वहाँ पर जो बात थी और बिगड़ गई। तो वो उसमें जो है आनंद की अनुभूति ले रहा है किसी को परेशान करके, झूठ बोल करके। तो ये मृषानंदी नाम का दूसरा रौद्र ध्यान है। तीसरा रौद्र ध्यान, चोरी करके आनंद की अनुभूति लेना। कुछ बच्चे जो अप डाउन करते हैं ट्रेन में, और ट्रेन में चलते चलते उनका बहुत लोगों से परिचय हो जाता है, ग्रुप बन जाता है, वो लोग आपस में एक साथ बैठने लगते हैं। एक बार एक ग्रुप में ऊपर की बर्थ पर भी बैठे हुए थे, एक वृद्धा माता अपने सिर पर एक टोकरी रखी हुई थी, उसको कपड़े से बांध करके लाई। उन्होंने कहा लाओ अम्मा इसको ऊपर रख देते हैं, और ऊपर रख दिया। पहले भी उन्होंने ऐसा किया था कि किसी की टोकरी में हाथ डाला था तो उसमें मूंगफली मिल गई थी, सब लोगों ने मूंगफली खाई थी। वही आदत को देख करके उन्होंने उसके कपड़े को जो है थोड़ा सा खिसकाया तो उसमें मिठाई रखी मिल गई। अब वो मिठाई निकाल करके सब, जितना बड़ा ग्रुप था, सबको वो देने लगे। और देते देते वो एक मिठाई का जो है टुकड़ा उस बुढ़िया अम्मा के हाथ में भी पहुंच गया। उसने देखा, समझ गई, कहने लगी खाओ खाओ, आप ही लोगन के घर को माल है, अभी हम एक शादी में गए थे वहां से जूठन बटोर के लाए। अब क्या हालत हुई होगी उनकी। लेकिन ये जो है वहां पर पहले जो चोरी में आनंद मान रहे थे वो जो है चोरियानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। और इसके बाद में आखिरी होता है परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मानना। यहाँ बैठे बैठे ही कोई अच्छी जो है ड्रेस है, भले ही अभी पहनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सोच करके कि अरे क्या बनवाई है, जब पहन करके निकलेंगे तब देखो सारे लोग आह करेंगे। तो ऐसी जो है परिग्रह के प्रति वहाँ पर जो दृष्टि रहती है उसमें आनंद की अनुभूति जो हमेशा श्रावक लोग उठाते रहते हैं, तो वो भी जो है पाप से उत्पन्न हुआ है, उसमें भी आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वो भी जो है सतत ये रौद्र ध्यान जो होता है वो नरक आयु के लिए कारण होता है, आर्त ध्यान जो होता है वो त्रियंच गति के लिए कारण होता है। इन दोनों से उठ करके हमको धर्म ध्यान करने के लिए प्रेरणा धर्म के माध्यम से मिलती है। चार प्रकार के धर्म ध्यान भी होते हैं, उनमें सबसे पहला है आज्ञा विजय, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना। जिनेंद्र भगवान ने जो जो कार्य बतलाए हैं उनको बड़ी निष्ठा के साथ में करना। अभी भी आप लोग ध्यान कर रहे हैं, अरे ध्यान क्या कर रहे हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। नहीं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये भी जो है धर्म ध्यान है। तो ये है आज्ञा विचय। फिर अपाय विचय, जो लोग दुखी हैं उनका दुख कैसे दूर हो, जो धर्म से दूर हैं वो धर्म में कैसे लगे, इस प्रकार से जो चिंतन किया जाता है वो अपाय विचय है। जहाँ कर्म फलों के बारे में चिंतन किया जाता है वो विपाक विचय होता है। और सबसे आखिरी में संस्थान विचय, श्लोक के बारे में, कहाँ पर स्वर्ग कहाँ पर नरक हैं, इसके बारे में जब चिंतन किया जाता है तो वो पूरे लोक की रचना संबंधी जो चिंतन है वो संस्थान विचय कहलाता है। ये तीन ध्यान इस काल में संभव हैं। शुक्ल ध्यान इस काल में संभव नहीं, लेकिन यहाँ पर अपन संभवनाथ भगवान की बारे में कि जिन्होंने ध्यान के प्रबंध के प्रभाव से, यानी निरंतर
ध्यान के प्रभाव से जिन्होंने समस्त कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया, तो उनमें उन्होंने शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन सारे कर्मों को नष्ट किया, जो इस काल में संभव नहीं, लेकिन फिर भी उनको अपन थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करें तो वो शुक्ल ध्यान भी चार प्रकार का होता है। जहाँ मोहिनी कर्म का नष्ट के लिए दो प्रकार की धाराएं मिलती हैं, एक धारा में प्रथम शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोहिनी कर्म का नाश होता है और दूसरी धारा में धर्म ध्यान के माध्यम से मोहिनी कर्म का नाश होता है, उसके बाद में शुक्ल ध्यान होता है। इसलिए वो दसवें गुण स्थान तक भी धर्म ध्यान स्वीकार करते हैं। तो जिसमें प्रथम जो शुक्ल ध्यान है पृथक तो वितर्क विचार, उसके माध्यम से मोहिनी कर्म का नाश करके, और फिर दूसरा जो शुक्ल ध्यान होता है उसके माध्यम से शेष तीन घातिया कर्मों को नष्ट करके और कैवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। चार घातिया कर्मों को नष्ट करके अरहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग पढ़ते हैं, चौ कर्म की त्रेसठ प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष रास। अरहंत भगवान जो हैं उन्होंने त्रेसठ कर्म प्रकृतियों को नष्ट करके चौ कर्म की, अब चार कर्म की जो है, चार घातिया कर्मों की तो 47 होती हैं, तो यहाँ पर ये चार जो प्रकार के कर्म हैं वो चार प्रकार के कर्म में वो चार घातिया के ना लेकर के दूसरे प्रकार से विवक्षा में, क्योंकि इसमें नाम कर्म की भी प्रकृतियों का नाश हो रहा है, तो इसलिए इसमें चार प्रकार से दूसरे प्रकार से होते हैं। एक क्षेत्र विपाकी होते हैं, एक भव विपाकी होते हैं, एक पुद्गल विपाकी होते हैं और एक जीव विपाकी होते हैं। इस प्रकार से चार प्रकार के कर्मों में आठों प्रकार के कर्म आ जाते हैं। तो उन्होंने चार प्रकार के कर्मों में से 63 प्रकृतियों को नष्ट किया। इसमें 60 प्रकृतियां तो यत्न साध्य होती हैं, यानी उनको पुरुषार्थ करते हैं नष्ट करने के लिए, और तीन को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाती हैं। अरे है ही नहीं है तो उनको नाश करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो अयत्न साध्य कहलाती हैं। वो तीन प्रकृतियां हैं तीन आयु, क्योंकि उनके पास में त्रियंच आयु, देव आयु और नरक आयु, इन तीन आयु की सत्ता नहीं है। यदि इनमें से अपनी जो मनुष्य आयु है इसके अलावा कोई दूसरी आयु आ जाए फिर वो छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकते। तो उसमें वहाँ उन्होंने 63 प्रकृतियों को नष्ट करके और कैवल्य को प्राप्त किया, और कैवली भी 13वें गुण स्थान में तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से नष्ट करके कर्मों को, और फिर चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से वहाँ पर आखिरी समय में 13 या 12 प्रकृतियों को, और उपांत यानी उसके पहले में 72 प्रकृतियों को नष्ट करके, यदि तीर्थंकर होते हैं तो 13 प्रकृतियों को नष्ट करते हैं, और जिनके पास में तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती वो जो है 12 प्रकृतियों को नष्ट करके, और उसके पहले समय में यानी उपांत जिसको सेकंड लास्ट बोलते हैं उसमें 72 प्रकृतियों को नष्ट करके, और वो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित होकर के उनकी आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके और ऊर्ध्वगमन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे संभवनाथ भगवान के बारे में अपन यहाँ पर कि जिन्होंने कर्मों को नष्ट करके शुक्ल ध्यान के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त किया है। ध्यान की जो प्रक्रिया रहती है उसमें जब ध्यान की एकाग्रता रहती है तो उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सूर्य के प्रकाश की किरणों को लेंस के माध्यम से जब केंद्रित किया जाता है तो उससे कागज आदि भी जलने लगते हैं। इसी प्रकार से चित्त की जो एकाग्रता रहती है उसके माध्यम से ध्यान के माध्यम से कर्मों को नष्ट करते हैं। और जो कर्म सिद्धांत है जैन धर्म का बड़ा विशिष्ट सिद्धांत है, सारे संसार में जितनी भी चित्र विचित्रता दिखाई देती है वो सब कर्म सिद्धांत के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। किसी के पास में बहुत अच्छा ज्ञान है, किसी को कुछ भी याद नहीं होता, तो ये ज्ञानावरणी का प्रभाव बतला रहा है। कोई थोड़ी सी हवा चलती है और उसको सर्दी खांसी हो जाती है, और किसी के लिए चाहे कितनी देर भी पानी में भीग ले लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये असाता साता का प्रभाव है। कोई
शरीर की रचना में बहुत ही सुंदर है, बहुत ऊंचाई सब कुछ लिए हुए है, और कोई जो है विकृत स्वरूप वाला है, तो यहाँ पर नाम कर्म का प्रभाव है। कोई उच्च कुल में जन्म लिया है, कोई नीच कुल में जन्म लिया है, तो ये गोत्र कर्म का प्रभाव है। कर्म दिखाई नहीं देते, लेकिन कर्म का फल जो है दिखाई देता है। इस प्रकार से कर्मों के माध्यम से, कर्म की प्रकृति के माध्यम से अपन संसार को समझ सकते हैं। जब कोई जीव कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करता है, तो उसमें कर्मों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। जहाँ पहले गुणस्थान में, जब पहले गुणस्थान से ऊपर उठता है, तो उस समय में पहले गुणस्थान में बनने वाली जो 16 प्रकृतियाँ रहती हैं, फिर उनका बंध नहीं होता। दूसरे गुणस्थान में बनने वाली 25 प्रकृतियाँ रहती हैं, सम्यक दृष्टि जो रहता है वो पहले और दूसरे गुणस्थान में बनने वाली प्रकृतियों से रहित होता है, तो वो 25 प्रकृतियों को भी बांधता नहीं है। फिर इसके बाद में चौथे गुणस्थान को जब ऊपर चढ़ता है, अणुवृत्ति बनता है, तो उस समय में 10 प्रकृतियों को फिर जो है बांधता नहीं, उनको भी वहाँ पर छोड़ देता है। पाँचवें गुणस्थान में से ऊपर उठता है, तो 4 कषाय संबंधी जो रहती हैं उनको नहीं बांधता, तो उनसे ऊपर उठ जाता है। छठे गुणस्थान से जब ऊपर उठता है, तो 6 प्रकृतियों से ऊपर उठ जाता है, उनका बंध नहीं करता। सातवें गुणस्थान में केवल एक देवायु रहती है, वो देवायु का बंध सातवें गुणस्थान तक तो कर सकता है, उससे जब ऊपर उठते हैं तो फिर देवायु की भी विच्छित्ति हो जाती है, उसका बंध नहीं होता। आठवें गुणस्थान से जब ऊपर उठते हैं, तब उस समय में 36 प्रकृतियों को फिर वो नहीं बांधते। नवे गुणस्थान में 5 जो है प्रकृतियों से ऊपर उठ जाते हैं। दसवें गुणस्थान से जब ऊपर उठते हैं, तो 16 प्रकृतियों को फिर जो है नहीं बांधते। और उसके बाद में 13वें गुणस्थान तक एक साता वेदनी का बंद होता है। वो बंद क्या होता है, आता है और चला जाता है कषायों के अभाव में, लेकिन जब 13वें गुणस्थान से ऊपर उठते हैं, तो फिर उसकी भी विच्छित्ति हो जाती है। अब कोई कर्मों का बंद नहीं होगा। जो सत्ता में है उनको नष्ट करके 5 ह्रस्व अक्षर जो हैं उनका उच्चारण श्रुत केवली करें जितनी शीघ्रता से, उतने समय में वो अपने सारे कर्मों को नष्ट करके और हमेशा के लिए शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे संभवनाथ भगवान के लिए, जिन्होंने सारी कर्म प्रकृतियों को अपने ध्यान के निरंतर प्रभाव से नष्ट कर दिया है और मोक्ष स्थान को प्राप्त किया है, उनके लिए कह रहे हैं महानुरागात नौमी, बड़े अनुराग के साथ में मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जिसकी मुक्ति में रुचि होगी, वो भगवान को बड़े अनुराग से कि जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है वो मुझे भी प्राप्त हो। जहाँ कोई क्रिकेटर हो और क्रिकेटर के लिए यदि सचिन तेंदुलकर मिल जाए, तो फिर उसके लिए तो कहते हैं तो हमें क्रिकेट का भगवान है। जब वो मिल जाए तो उसके जो है वो पैर भी पड़ने के लिए पहुंच जाएगा, बड़े अनुराग के साथ में। तो जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि होती है, उसके प्रति अनुराग सहज रूप से होता है। यदि अपनी मोक्ष के प्रति रुचि है, तो वहाँ पर इसी भाव के साथ में, बड़े अनुराग के साथ में कि भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हमें भी हो, ऐसे भावों से यहाँ पर नमस्कार किया गया है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। ध्यान प्रबंध प्रभवेन एन, निहत्य कर्म प्रकृति ही समस्ता, मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे। हाँ, आप लोगों ने सुनकर के भी जो है ध्यान नहीं देते। मुक्ति के बाद में स्वरूपा का आदा सा है, उसमें मुक्ति में जुड़ेगा। यदि मुक्ति स्वरूपा बोलोगे, तो मुक्ति में जो है, मुक्ति में ती जो है बड़ी हो जाएगी। जैसे नुक्ति में ती जो है बड़ी हो जाती है ना, ऐसी हो जाएगी। उसके लिए क्या है, स्वराघात किया जाता है, तो उसमें आधे सा को जोड़ दो, तो मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे। तम संभवन नौमि महानुरागा, स्तोत्रये निराला।
हाँ, कुछ लोगों को जो है स्तोत्र शब्द का उच्चारण भी नहीं आता। स्तोत्र है, त्रा बाद में है, त्रा पहले नहीं है। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, चौबीस जिनका स्तवन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला, धर शुक्ल ध्यान जिनने, सब कर्म को जलाया, कर ऊर्ध्व गमन क्षण में, मुक्ति पुरी को पाया, ऐसे है नाथ संभव, अनुरक्त नमन धारा, चौबीस जिनका स्तवन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए अब अपन 13 प्रश्नों की प्रश्नमाला संभवनाथ भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्त का काल, मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की मां। तैयार हैं? संभवनाथ भगवान के पूर्व में जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, उस समय में उनका क्या नाम था? विमल वाहन। अजितनाथ भगवान के भी पूर्व में विमल वाहन नाम था और संभवनाथ भगवान का भी पूर्व में विमल वाहन नाम था। जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का 16 करण भावनाएं भाग करके बंद किया था और संलेखना पूर्वक वो मुनिराज स्वर्ग गए। कौन से स्वर्ग गए? अधो ग्रेवेक, पहले ग्रेवेक में जाकर के वो उत्पन्न हुए थे। तो ग्रेवेक में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। ग्रेवेक में जो होते हैं वो अहमिंद्र होते हैं। वहाँ पर जैसे 10 भेद नीचे होते हैं, वैसे भेद वहाँ पर नहीं होते। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, प्राग ग्रेवेकेभ्य कल्पा, ग्रेवेक के पहले पहले कल्प होते हैं जहाँ पर 10 प्रकार के भेद होते हैं, लेकिन वहाँ पर सब इंद्र के समान, यानी अहम इंद्र, मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ, इस प्रकार से अहमिंद्र होते हैं। और वहाँ से चित होकर के जब उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया, तब उस समय में उनके माता पिता का नाम, पिता का नाम दृढ़ राज्य था संभवनाथ भगवान के, और माता का नाम सुषेणा। चौथा जो है उत्तर है सुषेणा। अब इसके बाद में कौन सी नगरी में उन्होंने जन्म लिया? श्रावस्ती में उनका जन्म हुआ। और नाम तो अपन तीसरे बोलते तो संभवनाथ बोलते, लेकिन वो अपन नाम तो पहले ही ले चुके हैं। उनका चिन्ह क्या है? घोड़ा उनका चिन्ह है, ये तो सब लोगों के लिए मालूम है। फिर वैराग्य का कारण क्या है? हाँ,
जो संभवनाथ भगवान का उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा है, मेघ के विलय को देख करके उनको वैराग्य हो गया। कितनी सुंदर सुंदर कवि रचना बन जाती है उनकी, देख करके मन होता है कि इसको जो है फोटो खींच लें। फोटो खींचते खींचते भी, आजकल का इतना फास्ट जमाना है, लेकिन फोटो खींचते खींचते भी जो पहले देखा था, फोटो खींचते खींचते वो परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेगा। तो उस समय में कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रणम्य सागर जी बोलते हैं, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज लाइक पेपरमेंट। पेपरमेंट जैसे उड़ जाता है, ऐसे ही संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। तो उन्होंने मेघ विलय को देख करके वैराग्य को धारण किया, और जब उन्होंने दीक्षा धारण की उपवास के साथ में, दो उपवास तीन उपवास, और उसके बाद में जब पारणा को गए, तो प्रथम पारणा कौन से राजा के यहाँ हुई? सुरेंद्र दत्त नाम जो है उत्तर पुराण में है, वहां पर उन्होंने प्रथम आहार को ग्रहण किया। और कितने वर्ष तक मुनि बनकर के छद्मस्थ अवस्था में रहे, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले कितने वर्ष तपस्या की? 14 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। उसके बाद में उनको केवल रवि से वो सुशोभित हुए, और उन्होंने समोषण की रचना जहाँ पर कुबेर करता है वहाँ पर अपनी वाणी को प्रदान किया, और उसको झेलने वाले प्रथम गणधर कौन थे? हाँ, चारुसेन जो है उनके प्रथम गणधर थे, और कुल गणधर कितने थे? 105 संख्या है। तो 105 संख्या में और मुख्य गणधर जो है चारु हैं, और उन्होंने कहाँ से मुक्ति को प्राप्त किया? सम्य शिखर तो सामान्य हो गया, विशेष बोलो है नहीं, श्रावस्ती जन्म स्थान है, यहाँ पर जो है निर्वाण क्षेत्र पूछ रहे हैं। धवलकूट, धवलकूट की एक और विशेषता है, क्या विशेषता है मालूम है? सफेद रंग के चरण हैं उनके, सफेद रंग के। वैसे तो जो हैं चार तीर्थंकर जो बाहर से निर्वाण को प्राप्त किए हैं उनके सफेद हैं, इनके भी सफेद हैं, एका तीर्थंकर के और सफेद हैं, तो धवलकूट पर भी, हाँ धवलकूट पर भी सफेद रंग के चरण हैं। और ये कहाँ पड़ता है थोड़ा सा और? हाँ, अनंतनाथ तो ऊपर है, शीतलनाथ लौट करके आते हैं, और जब नीचे उतरते हैं नीचे वहां पर जल मंदिर दिख रहा है, और उसी रास्ते में बीच में जो है संभवनाथ भगवान का कूट आता है। अगली बार आप जब कूट पर जाओ वहां पर, तो ऐसे जो है एक एक कूट पर खड़े होकर के कौन सा कूट कहां पर है ऐसी धारणा बनाना चाहिए। उसके माध्यम से आप लोग यदि एक एक कूट पर एक एक बार नमोकार मंत्र करो, तो जो है दो माला तक जो है आपके लिए मन इधर उधर नहीं जाएगा, अच्छा ध्यान उसमें लगा रहेगा। तो इस प्रकार से अपनी धारणा बनाना चाहिए। अपन इसको जो है काव्य के रूप में पढ़ते हैं, विमल वाहन मुनि अधो ग्रेवेयक, मात सुषेण नप दृण राम, अश्वचिन्न श्रावस्ती संभव, मेघ विलय को लख वैरा, दत्त सुरेंद्र दी प्रथम पारणा, 14 बरस बाद जिनरा, 105 चारु युत गणधर, धवल कूट मुक्ति कारा। इस प्रकार से संभवनाथ भगवान के बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती,
करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखो मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार